हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह का जिम का लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका हेडर है, नेम बार, यहाँ पे आपका मेन्यू है। इस तरह के ओवर करेंगे तो इस तरह से इसका इफेक्ट आएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया हूँ और इसके पीछे बैकग्राउंड में आपका एक वीडियो रिपीडेटली आपका वीडियो चलता जाएगा। इसको मैं कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव बनाया हूँ, आप देख लीजिए। जब इसको आप 1440 पे करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब इसी को अगर आप 1020 पे करेंगे तो इस प्रकार का आपका दिखेगा। और इसी को अगर आप 768 पिक्सल पे करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 बार भी मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस प्रकार का आपका ये मिलेगा। तो आप देख लीजिए, इसको मैं रिसाइज करता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं रिसाइज कर रहा हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिक पहले से इस पे क्लिक था इसलिए आ रहा है, नहीं तो ये इस तरह से आएगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये इसी तरह से आपका आएगा, ये आपका 3 डॉट बन गया। इसी तरह से आपको जितना रिसाइज करेंगे उतना ये आपको इस प्रकार का दिखेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये इस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसको बनाने में सिंपली आपको चाहिए HTML, CSS और ये जो आप 3 बार से देख रहे हैं इस पे क्लिक करने के बाद ये जो ओपन होगा इसी को ही सिर्फ आप जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल करेंगे। तो चलिए, किस बात का देरी है, हम लोग इसको डेवलप करते हैं। तो डेवलप करने से पहले आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन कर लेना होगा। तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे आ जाइए और डेस्कटॉप पे आप एक फोल्डर बना लीजिए जिम लैंडिंग पेज के नाम से। और इसके अंदर आप सिंपली एक फोल्डर बनाइए IMG के नाम से। उसी तरह से आप एक CSS का फोल्डर बनाइए और आप उसी तरह से जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना सकते हैं। बट जावास्क्रिप्ट का फोल्डर नहीं बनाऊंगा क्योंकि इंडेक्स पेज में ही उसका मैं कोड कर लूँगा। उसके बाद इतना ही आपको बनाना होगा। ये जो आपका IMG है, IMG में ही आपका ये जो पीछे का बैकग्राउंड में जो वीडियो दिख रहा होगा उसी को यहाँ पे आप रख लीजिए। तो आप देख लीजिए, इसी में ही आप ये वीडियो रखेंगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप अपने मर्जी के हिसाब से जो चाहें जो वीडियो उसके बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप एक और फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे आप फॉन्ट ऑसम को रख लेंगे। अब सिंपली हम लोग चलते हैं टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पे आप एक न्यू पेज ले लीजिए HTML के नाम से। और इस प्रकार से आप इसका डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए। आप टाइटल में जिम लिखिए या जो चाहे जो आप टाइटल में लिख लीजिए। इसको मैं सेव करता हूँ और डेस्कटॉप पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने जिम लैंडिंग पेज के नाम से बनाया हूँ। इसी में ही मैं index.html के नाम से बनाऊँगा। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा है CSS फाइल है, इसके अंदर अंदर मैं CSS का फाइल बनाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आऊँगा और एक न्यू पेज लूँगा और इसमें लिख लूँगा एदर 400 और यहाँ पे मैं UTF-8 डिफाइन कर लूँगा। इसको मैं सेव करूँगा और इसके CSS के अंदर मैं सिंपली लिखूँगा style.css और इसको मैं सेव कर लूँगा। और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे उसको मैं लिंक कर दूंगा। तो लिंक करने के लिए आप लिंक टैग स्टार्ट कीजिए और HRF में आप अपने फोल्डर को एक्सेस कीजिए और फोल्डर के अंदर जो फाइल है उस फाइल का नाम क्या है, style.css। उसी तरह आप फिर से लिंक टैग स्टार्ट कीजिए और इसके बाद आप सिंपली फॉन्ट ऑसम लिखिए। इस प्रकार से देखिए आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आएंगे तो देखिए फॉन्ट ऑसम लिखा हुआ है और फॉन्ट ऑसम के अंदर CSS और CSS के अंदर ऑल, तो यहाँ पे हाइफन नहीं होगा, फॉन्ट ऑसम होगा। और फॉन्ट ऑसम के अंदर तो आप इस प्रकार से CSS लिखिए और CSS के अंदर all.css था। तो आप यहाँ पे मीटा टैग में व्यू पोर्ट और कंटेंट आप ये डिफाइन कर देंगे क्योंकि रिस्पॉन्सिव में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और रिमूव करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट पास करूँगा। देखिए मैं कमेंट कैसे पास करता हूँ, पेस्ट करूँगा और यहाँ पे सिंपली लिखूँगा एंड हेडर एरिया कोडिंग और इसके अंदर सिंपली मैं एक हेडर टैग बनाऊँगा। इस प्रकार से देख लीजिए
हेडर टैग और इसके अंदर मैं नेव टैग बनाऊंगा, और नेव टैग के अंदर एक डिव लूँगा और डिव के अंदर मैं ए लूँगा, और इसमें मैं एम्प्टी लिंक डिफाइन करता हूँ, और इसके अंदर आपका क्या था देख लीजिए, यहाँ पे लिखना होगा आपका ट्रेनिंग स्टूडियो, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो आपको करना क्या होगा, ये जो आपका स्टूडियो है इस चीज़ को आप कोई और टैग से आप इसको लिख लीजिए, तो हम उसको ईएम टैग से इसको राइट कर देते हैं। इसके बाद आपको फाफा आइकन लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे फाफा आइकन दूंगा और क्लास दूंगा फा फा हाइफन बार्स के लिए, और इसका क्लास भी मैं बार्स पास कर लूँगा। और इस डिव टैग के बाद आप यूएल टैग स्टार्ट करना होगा आपको, और यूएल टैग के अंदर एलआई और एलआई टैग के अंदर आप एंकल टैग स्टार्ट कीजिए, इसको एम्प्टी कीजिए, और इसमें पहला लिंक आपका होम है, और इसमें आप क्लास पास कर दीजिए आइटम्स, उसी तरह से आप दूसरा एलआई क्रिएट कीजिए। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से आप एलआई और एंकल टैग के माध्यम से आप बना लीजिएगा। तो इतना आपका हेडर का कोडिंग हो गया। सबसे पहले हम लोग हेडर का कोडिंग ही कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेक्शन का कोडिंग को करेंगे। इसके बाद आप स्टाइल टैग में आइएगा और इस तरह से आप सभी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप प्रोफेशनल कोडिंग कर रहे हैं तो प्रोफेशनल कोडिंग इसी प्रकार से किया जाता है, आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। एचटीएमएल बॉडी डिव स्पेन जितना भी टैग है सभी को सेलेक्ट करने के बाद मार्जिन पैडिंग बॉर्डर और आउटलाइन आप इसको जीरो कर दीजिएगा। उसके बाद आप डॉट क्लियर फिक्स के ऑप्टर को भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसमें कंटेंट दे दीजिएगा डॉट डिस्प्ले ब्लॉक्स क्लियर बॉथ विजिबिलिटी हिडन लाइन हाइट जीरो और हाइट भी जीरो। उसके बाद क्लियर फिक्स को सेलेक्ट करेंगे और इसमें डिस्प्ले दे देंगे इन लाइन हाइफन ब्लॉक, उसी तरह से इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यू एल एल आई को सेलेक्ट करने के बाद आप पैडिंग जीरो मार्जिन जीरो और लिस्ट स्टार नन कर दीजिएगा। उसके बाद फिल आप सेलेक्ट करेंगे हेडर नेव सेक्शन आर्टिकल साइड फुटर एच ग्रुप, उसके बाद आप वो डिस्प्ले ब्लॉक पास कर देंगे, और स्ट्रिक के बाद आप इस तरह से बॉक्स साइजिंग पास कर देंगे। उसके बाद लास्ट में एचटीएमएल और बॉडी को सेलेक्ट करेंगे और इसमें फॉन्ट फैमिली फॉन्ट वेट बैकग्राउंड कलर फॉन्ट साइज और उसके बाद टेक्स्ट साइज एडजस्ट पास करेंगे, फॉन्ट स्मूथिंग पास करेंगे, और फॉन्ट स्मूथिंग को आप ब्राउजर कंपेटिबिलिटी के लिए आप इस तरह से पास कर देंगे। उसके बाद आप इसमें बैकग्राउंड कलर पास कर देंगे और इसका ओवरफ्लो आप हिडन पास कर देंगे। उसके बाद एंकर टैग को सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट अलाइन नॉन और कलर आप वाइट कर दीजिएगा। उसके बाद H1 से लेकर H6 को सेलेक्ट कीजिएगा और इसमें मार्जिन टॉप जीरो और मार्जिन बॉटम जीरो मैं इसको सेव करता हूँ। अगर आप इतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेशनल आप कोडिंग कर रहे हैं तो इतना कोडिंग करेंगे तो आपको किसी भी टैग को एडजस्टमेंट करने के लिए उतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं इसको सेव करने के बाद यहाँ आऊँगा और उसके बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो देख लीजिए आपका ये कुछ इस प्रकार का देखने को मिला। इसमें HTML का जो कोड है उसको सेव नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे आपका वो कोड आपको मिल गया। अब चलिए हम लोग इस हेडर का कोडिंग को करते हैं। तो सिंपली यहीं पे आ जाइए और यहाँ पे आप कमेंट पास कर लीजिए स्टार्ट हेडर एरिया कोडिंग, और इसमें सबसे पहले आप हेडर को सेलेक्ट कर लीजिए, विड्थ दे दीजिए आप 100%, हाइट इसमें पास नहीं कीजिएगा, हाइट ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इसका हो जाएगा। और इसमें आप बैकग्राउंड कलर पास कर देंगे RGB मोड ए में 250 और 250, और इसका ओपेसिटी 0.1 पास कर देंगे। इसमें आप पोजीशन फिक्स्ड कर देंगे और इसका जेड इंडेक्स आप इस प्रकार से पास कर देंगे। और इसके बाद जो हेडर का जो नेव है नेव को आप सेलेक्ट कीजिए, हेडर के बाद नेव को सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप विद पास कर दीजिए 90%, और इसमें आप मार्जिन पास कर दीजिए ऑटो। इस तरह से अगर आप पास करेंगे तो जो आपका ये हेडर है हेडर के अंदर जो नेव है नेव आपका सेंटर में देखने को मिल जाएगा।
मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपका जो हेडर है इधर से 10% और इधर से 10% आपका छोड़ कर बीच में आपका ये नेव आपका हो गया। अब इस नेव के अंदर का कंटेंट को हम लोग फिट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आइए और हेडर के अंदर जो डिब है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। हेडर के अंदर नेव, नेव के अंदर जो आपका डिब है उसको सेलेक्ट कीजिए और इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स पास कर लीजिए उसी, और इसके बाद इसमें अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट आप स्पेस बिटवीन पास कर दीजिए और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए इसका इस प्रकार से यहाँ पे आ गया और इस प्रकार से आपका बार से को देखने को मिल गया। अब इसको हम लोग कोडिंग को करते हैं। तो यहाँ पे आइए और इसके अंदर जो आपका आई टैग है उसको आपको सेलेक्ट करिए, नेव उसके बाद डिब उसके बाद आई। इसमें आप कर्सर जो है इसको पॉइंटर कर दीजिए और इसमें जो आपका फ्लोट है फ्लोट आप राइट पास कर दीजिए और इसका आप फॉन्ट साइज भी पास कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज में 35 पिक्सल पास करता हूँ। इसके बाद मैं नेव के अंदर जो आपका यूएल है उसको आप मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इसका पैडिंग मार्जिन भी मैं सिंपली 0 कर दूँगा इस प्रकार से और इसके बाद सिंपली मैं सेलेक्ट करूँगा हेडर, हेडर के अंदर नेव, नेव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर जो एलआई है और एलआई में जिसका भी क्लास है आइटम्स और आइटम्स के अंदर जो एंकर टैग है उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर लीजिए। पैडिंग 20 पिक्सल, टॉप बॉटम 20 पिक्सल और लेफ्ट लाइट भी 20 पिक्सल। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस जो कैपिटल लेटर में आपको देखने को मिलेगा। फॉन्ट फैमिली आप ग्लेबली पास कर लीजिए और फॉन्ट साइज 18 पिक्सल पास कर दीजिए। उसी प्रकार से आप जो आपका एल आई है साइन अप, कहने का मतलब है कि जो आपका एल आई है ये साइन अप इसमें क्लास है इसका कोडिंग यहाँ पे किया हुआ है। इन डिस्प्ले ब्लॉक पैडिंग भी 20 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फॉन्ट फैमिली क्लेबली, फॉन्ट साइज आपका ये कलर वाइट कीजिएगा और बैकग्राउंड कलर आप ये हेक्स कोड पास कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे उसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख लीजिए इस तरह से इसका आपका हाइट बढ़ गया और इस तरह से ये आपका मेंटेन हो गया। अब इसको मैं इस पे ओवर इफेक्ट को लगाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपका ये आइटम्स है आइटम्स के जब एंकर टैग पे ओवर होना होगा तो क्या होना चाहिए। तो आप इस पे ओवर इफेक्ट लगाइए। मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और इसका जो भी कलर होगा वो कलर वाइट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और इस पर ओवर करूँगा तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब चलिए इस जो आपका कंटेंट है इसका डिजाइन को करते हैं। तो सिंपली आप इसके बाद हेडर को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद नेव को, उसके बाद डिब को, उसके बाद ए को और इसमें आप फॉन्ट साइज पास कर दीजिए 40 पिक्सल और उसके बाद इसमें आप फॉन्ट फैमिली भी पास कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप कलर वाइट कर दीजिए और इसका जो फॉन्ट वेट है उसको आपको बोल्ड कर देना होगा तो वो आपको बोल्ड देखने को मिलेगा। इसके अंदर हेडर, नेव, डिब, एंकर टैग के अंदर जो आपका ईएम टैग है उसको सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप कलर ये पास कर दीजिए, सेव कीजिए और यहाँ पे उसको रिफ्रेश कीजिए तो आप देख लीजिए आपको इस प्रकार से इसका डिजाइन आपको मिल गया। इसके बाद आप यहाँ पे आइए और अब यहाँ पे आप कमेंट पास कर लीजिए सेक्शन कमेंट और इसके अंदर आप सिंपली सेक्शन टैग ही पास कर लीजिए और इसके अंदर आप एक वीडियो टैग पास कीजिए और वीडियो टैग के अंदर आप सोर्स टैग पास कीजिए और इस सोर्स टैग में ही आप अपने वीडियो का लोकेशन पास कीजिएगा। तो मेरा वीडियो का लोकेशन है IMG और इसके अंदर मेरा फोल्डर है BG-Video और उसका एक्सटेंशन है .MP4 और इसका टाइप क्या है आप यहाँ पे भी आप लिख लीजिए। तो मेरा टाइप है Video/MP4। यहाँ पे मेरा पाथ गलत है, मेरा वीडियो का नाम है Gym-Video। यहाँ पे मैं कंट्रोल्स पास नहीं करूँगा, सिंपली मैं पास करूँगा ऑटो प्ले, उसके बाद इसका आवाज़ में म्यूटेड कर दूँगा। सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे उसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपका ये जो वीडियो है वो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल गया, ऑटोमेटिक ये वीडियो आपको चलने लगा। इसमें मैं लूप भी पास करता हूँ और इसका आईडी भी मैं पास कर दूँगा BG-Video, BG_Video।
इस वीडियो टैग के बाद आप एक डिव टैग बनाएंगे जिसमें आप क्लास देंगे वीडियो हाइफन ओवरले और हेडर हाइफन टेक्स्ट, और इसके अंदर आप डिव टैग बनाएंगे और इसका क्लास देंगे कैप्शन, और H6 से लिखेंगे वर्क हार्डर एंड गेट स्ट्रॉन्गर। उसके बाद जिम बटन में लिखेंगे बिकॉम अ मेंबर। अब CSS में चलते हैं और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैं सिंपली कमेंट पास कर दूंगा एरिया कोडिंग, और इसमें सिंपली सबसे पहले मैं सेक्शन को सेलेक्ट करूंगा और इसका जो पोजीशन होगा वो पोजीशन में रिलेटिव पास कर दूंगा। उसके बाद सेक्शन के अंदर जो आपका वीडियो टैग है, ये है वीडियो टैग, इसका जो ID है BG_video उसको सेलेक्ट कीजिए, मीन विद 100% और मीन हाइट आप दीजिए 100 VH वर्टिकल हाइट। उसके बाद मैक्स भी दीजिए 100% और मैक्स हाइट दीजिए 100 VH मीन्स वर्टिकल हाइट। ऑब्जेक्ट फिट दे दीजिए कॉबल और Z index -1 कर दीजिए। अब यहाँ पे उसको रिफ्रेश कर दीजिए तो देखिए ये जो आपका वीडियो है, ये आपका वीडियो पीछे इसके पीछे आपको चला गया। इसके बाद सेक्शन के अंदर जो आपका ये डिव है, डिव में क्लास का दिए हैं वीडियो हाइफन ओवरले, उसको सेलेक्ट कीजिए, पोजीशन पास कीजिए अब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर RGB मोड में पास कर लीजिए, टॉप से 0, लेफ्ट से 0 और बॉटम 7 pixels और बॉटम कर लीजिए। इसको जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख लीजिए इसके पीछे आपका जो डिव है उस डिव में आपका बैकग्राउंड कलर RGB मोड में इस प्रकार से दिखने लगा जिस प्रकार से ये दिख रहा है। अब ये जो आपका कंटेंट दिख रहा है इसको हम लोग डिजाइन करते हैं, और इस सेक्शन के अंदर जो आपका कैप्शन है, ये जो डिव है आप डिव को सेलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लीजिए, पोजीशन अब्सोल्यूट विद दीजिए 80%, लेफ्ट 50%, टॉप 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट में -50% और -50%। और इसके अंदर जो आपका H6 है, कैप्शन के अंदर जो आपका H6 है इसमें आप मार्जिन टॉप 0 कर दीजिए, फॉन्ट फैमिली पास कर लीजिए वर्दना, फॉन्ट साइज 18 pixels, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और इसका कलर आप वाइट कर दीजिए। और इसके अंदर जो आपका H2 है इसमें मार्जिन टॉप दीजिए 30 pixels, मार्जिन बॉटम 25 pixels, फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ, फॉन्ट साइज 80 pixels, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और कलर इसका आप हेक्स को दीजिए शार्प FFF। इसके बाद सेक्शन के अंदर जो आपका ये बटन है इसको सेलेक्ट कीजिए और बैकग्राउंड कलर ये हेक्स को दे दीजिए, बॉर्डर और आउटलाइन को नन कर दीजिए, पैडिंग दीजिए टॉप बॉटम टॉप 12 pixels और लेफ्ट लाइट 20 pixels, कलर इसका वाइट रहेगा, इसका फॉन्ट फैमिली कलेबली रहेगा, फॉन्ट साइज 18 pixels रहेगा, और इसका जो कर्सर रहेगा वो पॉइंटर रहेगा। इसके बाद जब आप बटन पे ओवर करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर आना चाहिए, और इसमें ट्रांजिशन पास कर लीजिए और 0.3 सेकेंड। अब मैं यहाँ पे उसको रिफ्रेश करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे आपका लिखा आ गया वर्क हार्डर एंड गेट स्ट्रॉन्गर। उसके बाद इजी बिट आ रहा है और इसके अंदर आपका बटन वो दिखने को मिल रहा है। इसको हम लोग अब डेकोरेट करते हैं कि जब आपका फुल विड्थ रहेगा तो ये आपका इस तरह से नहीं आना चाहिए। तो अब हम लोग इसमें मीडिया क्यूरी का उपयोग करेंगे, तो आप यहाँ पे इस तरह से आप कमेंट कर लीजिए स्टार्ट मीडिया क्यूरी रेस्पॉन्सिव, और इसके अंदर आप लिखिए एडर मीडिया इस प्रकार से, और इसमें आप सिंपली लिखिए मीन हाइफन विद 992 मीन्स 992 के जब ऊपर इसका स्क्रीन होगा तो इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो मैं इसमें सिंपली हेडर के अंदर जो नेव है उसको सेलेक्ट करूंगा, उसका विद दूंगा 98%, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, उसके बाद जस्टिफाई हाइफन कंटेंट दूंगा और इसमें स्पेस हाइफन बिटवीन पास कर लूँगा, और इसका जो अलाइन आइटम्स होगा उसको मैं सेंटर कर दूँगा। और इसके बाद आपका जो यूएल है हेडर के अंदर नेव के अंदर यूएल, इसमें जो आपका मैक्स हाइट है उसको आप नॉन कर दीजिए, और इसके बाद जो आपका LI है तो LI को इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके अंदर आप सिंपली फ्लोट लाइट पास कर दीजिए, और उसके बाद जो आपका ये फाफा आइकन से कहाँ पे गया फाफा आइकन से ये रहा बार्स,
तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और उसको डिस्प्ले नन कर दीजिए। तो आप सिंपली हेडर पास कीजिए, नेव पास कीजिए, नेव के अंदर डिप और डिप के अंदर आई, और आई में आप बार्स पास कर दीजिए और इसमें सिंपली डिस्प्ले नन पास कर दीजिए। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये मेन्यू आपको दिखने लगा। तो ये देखिए साइनअप है वो जो पहले दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको पहले दिखाऊं। ये जो आपका होम है वो होम पहले आए, उसके बाद अबाउट क्लास शेड्यूल कॉन्टेक्ट, उसके बाद साइनअप आपको दिखे। तो आप यहाँ पे आइए जहाँ पे आप यूएल का कोडिंग किए थे, और ऊपर आइए और देखिए आप यहाँ पे यूएल का कोडिंग किए थे, यहाँ पे आप पास कर लीजिए ओवरफ्लो हिडन, मैक्स हाइट पास कर लीजिए 0, और इसके बाद ट्रांजिशन पास कर लीजिए मैक्स हाइट 0.6 सेकेंड इज हाइफन आउट। तो यहाँ पे सबसे नीचे आप आइए और यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए मीन विद 992 पास किए हैं। यहाँ पे जो आपका एलआई है, एलआई में आप लेफ्ट पास कर लीजिए। अब यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे ये इस तरह से आपको मिल गया। तो देखिए आपका डिज़ाइन कंप्लीट है। अब थोड़ा रिस्पॉन्सिव में ही अब हम लोग कोडिंग करते हैं। ये तो रहा कि 992 पे इसके ऊपर जब आपका स्क्रीन जाएगा तो इस तरह का दिखेगा, जब 992 के नीचे आएगा तो आपका डिज़ाइन कैसा दिखेगा उसको अब हम लोग कोडिंग करते हैं। तो मैं इस तरह से इसका करता हूँ और इस प्रकार से इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो देखिए नाइन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी है 1085 है, मैं इसको 992 पे करता हूँ। देखिए 992 के ऊपर ये रहेगा तो इस प्रकार का इसका डिज़ाइन रहेगा, जैसे इसका ये नीचे आएगा तो ये इस प्रकार का आपका डिज़ाइन मिल जाएगा। सबसे पहले इसका जो आपका हाइट है उसको, हाइट को सबसे पहले मैं बढ़ा दे देता हूँ कि जैसे ही तो इसका हाइट जो है वो बढ़ जाए। तो अब इसको ही इसका ही हम लोग कोडिंग को करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। तो सिंपली आप स्टाइल टेक में आ जाइए और आप एक काम कीजिए, ये जो आपका मीडिया क्यूरी है इसके ऊपर ही आप अपने हिसाब से कोई भी क्लास पास कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पास करता हूँ मेनू अंडर स्कोल हाइट, और इसमें सिंपली मैं मैक्स हाइट पास कर दूँगा इस प्रकार से 400 पिक्सल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका हाइट बढ़ जाना चाहिए। सिंपली यही कोडिंग मैं जावास्क्रिप्ट में करूँगा। तो यहाँ पे आइए index.html में, और सबसे नीचे आप स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे इसको क्लोज कर लीजिए, और इसमें आप एक फंक्शन बना लीजिए मेन्यू फंक्शन, इसका पैरेंथेसिस और इसका पैरेंथेसिस के बाद इसका कर्ली ब्रैकेट। आप इसको कब कॉल करना चाहते हैं, जब आप ये फाइव का इस पर ऑन क्लिक होगा तो ऑन क्लिक पे मैं मेन्यू को कॉल करता हूँ। अब कोडिंग करूँगा मैं इसमें। तो सबसे पहले मैं ये जो आपका यूएल है इस चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे पास करूँगा document.query_selector, मैं इसमें पास करूँगा और इसमें सिंपली मैं यूएल को पास करूँगा, और इसमें सिंपली मैं क्लास नेम पास करूँगा, और इसमें क्लास नेम आपने सीएसएस में क्या पास किया है, मेन्यू अंडर स्कोर हाइट, और मैं इसको कंपेरिजन करूँगा। देखिए इस प्रकार से मैं इसको कंपेरिजन करूँगा मेन्यू अंडर स्कोर हाइट, और इसको मैं इफ़ कंडीशन में रखूँगा इस प्रकार से। इफ़ कंडीशन में देख लीजिए मैं इफ़ कंडीशन क्यों पास करता हूँ, मैं चेक करूँगा कि जब बटन पे क्लिक करूँगा तो यूएल में क्या ये क्लास लागू है। अगर क्लास लागू है तो यहाँ पे कोडिंग होगा, अगर लागू नहीं है तो एल्स में आपका कोडिंग होगा इस प्रकार से। एल्स में अगर लागू नहीं है तो मैं सिंपली यहाँ पे फिर से पास कर दूँगा document.query_selector के माध्यम से यूएल, और यूएल में मैं जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर्टी पास करूँगा क्लास लिस्ट, और इसमें देखिए क्लास लिस्ट इस तरह से लिखाएगा, और इसमें सिंपली एड फंक्शन को कॉल करूँगा, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, और इसमें सिंपली उस क्लास का नाम लॉक लूँगा मेनू अंडर स्कोर हाइट, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। अगर यहाँ पे हाइट है तब क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिंपली वो रिमूव हो जाना चाहिए,
सेव करता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं इस पर वन बार टैप करूँगा तो इसका आपका हाइट बढ़ गया। तो इस प्रकार से आपका ये मेन्यू दिखने लगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ से वो क्लास आपका रिमूव हो जाएगा। तो जब क्लास यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इसका हाइट भी आपको रिमूव हो जाएगा। तो आपका जो कोडिंग है वो आपका रिस्पॉन्सिव कंप्लीट हो गया मेन्यू का। अब जो आप ये टेक्स्ट देख रहे हैं इसका कोडिंग करते हैं, तो मैं इतना पे इसको एक्सपेंड करता हूँ और इस तरह से इसको मैं रिसाइज करता हूँ। तो आप देखिएगा ये कहाँ पे ये कोड बिखरेगा। देखिए यहाँ पे ये कोड बिखरा, देखिए ये कब कोड बिखरा है, इतना पे ये कोड बिखर रहा है। तो आप सबसे नीचे आएंगे और मीडिया क्यूज स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे मैक्स विड 1100 पिक्सल और इसमें जो लोगो का हाइट है, फॉन्ट साइज जो है, कौन सा फॉन्ट साइज आपका है, ये जो आपका ये फॉन्ट साइज है इसका आपका साइज छोटा हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उसका साइज आपका छोटा हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसको मैं इस प्रकार से बड़ा करूँगा। देखिए तो इस प्रकार से ये छोटा हो चुका है, पहले ये छोटा नहीं था। अब हम लोग जब 1200 पिक्सल पे जाएंगे तो इसका हम लोग कोडिंग करेंगे। जैसे कि देखिए मैं इस तरह से इसको बड़ा करता हूँ और इस प्रकार से इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। देखिए तो 1100 पिक्सल पे देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये देखिए कहाँ पे इसका डिजाइन आपको बिखरेगा। और मैं इसको छोटा करता हूँ, देखिए ये लगभग 1050 पे इसका डिजाइन बिखर रहा है, उससे भी ऊपर। तो मैं 1100 पिक्सल पे ही इसका जो साइज है उसको साइज को मैं छोटा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए उसका कोडिंग कहाँ पे किया गया है, देखिए यहाँ पे किया गया है, ये जो आपका H2 है देखिए, और H2 में आपका फॉन्ट साइज कितना है, आपका 80 पिक्सल आपका फॉन्ट साइज है। तो उस 80 पिक्सल को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और उसका जो आपका फॉन्ट साइज है उसको ही आप 80 से 60 पिक्सल कर दीजिए और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए। अब आप इसको इस प्रकार से एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसका साइज ऑटोमेटिक छोटा हो चुका है। जैसे ये बड़ा जाएगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा और इसके नीचे आएगा तो इस प्रकार से इसका डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए ये डिजाइन कहाँ पे बिखर रहा है, और नीचे आइए तो देखिए आप यहाँ पे इसका डिजाइन बिखर रहा है। तो अब आप सिंपली 768 पिक्सल पे आप इसका कोडिंग कीजिए। तो आप यहाँ पे आइए और फिर से मीडिया क्यूज पास कीजिए मैक्स विद 768 पिक्सल और जो आपका H2 है H2 का फॉन्ट साइज आप 50 पिक्सल कर दीजिए। अब इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो जैसे मैं इसको और नीचे आऊँगा तो इसका आप साइज देखिएगा, देखिए साइज इसका आपका छोटा हो गया। अब देखिए अब साइज आपको इतना पे आने पे बिखर रहा है तो इसे उतना कोई मतलब नहीं है। और नीचे आऊँगा तो देखिए यहाँ पे डिजाइन बिखर रहा है। तुम और यहाँ पे आएंगे और फिर से आप मीडिया क्यूरी लिखेंगे और इसके बाद आप हो सिंपली मैक्स विड पास कर देंगे। तो मैं सिंपली 375 पिक्सल पे ही उसका डिजाइन करता हूँ 375 पिक्सल और इसमें सिंपली मैं उसको सेलेक्ट करूँगा सेक्शन के अंदर जो आपका कैप्शन है और कैप्शन के अंदर जो H2 है उसका आपका जो फॉन्ट साइज है वो 25 पिक्सल हो जाए और मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए जैसे मैं इसको और भी नीचे आऊँगा और भी नीचे तो इसका देखिए साइज जो आपका ये है वो कम हो गया है। और भी नीचे आएंगे तो देखिए इसका साइज इस प्रकार से आपको मिल गया। अब इसका भी साइज आपको छोटा करना होगा तो वहाँ पे जो आपका H6 है उसका फॉन्ट साइज आप 10 पिक्सल पास कर दीजिए। अब इसको आप यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए तो देखिए इसका साइज आपका 10 पिक्सल हो गया। अब ये जो आपका ये डिजाइन जो बिखर रहा है इसका हम लोग कोडिंग को करते हैं। तो आप सिंपली हेडर को सेलेक्ट करेंगे और पैडिंग देंगे 10 पिक्सल टॉप बॉटम अप लेफ्ट राइट 0 और उसके बाद जो आपका आइटम्स और साइनअप का एंकर टैग है एंकर टैग में पैडिंग भी आप 10 पिक्सल पास कर देंगे और जो आपका लोगो है उसका भी फॉन्ट साइज आप छोटा कर देंगे और बार्स का भी फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ
तो देखिए जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो कोई इफेक्ट नहीं आया, इसको मैं और छोटा करता हूँ और छोटा, तो देखिए इसका डिज़ाइन आपको बढ़िया देखने को मिल गया। तो सो गाइज आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस तरह का लैंडिंग पेज बनाने में आपको मज़ा आया या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।